हे याकूब के घराने, हे इसराइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। प्राइज अल्लाह। मेरे भाई बहन, ये वचनों में देखते हैं, अब जन्म से अभी तक मैं संभाल के चला रहा, मतलब के वचनों में देखते हैं, जन्म से अभी तक संभालने वाला कौन है। तीसरा वचन में अपन देखते हैं, और माँ का गोद में से भी अभी तक संभाल के चलाए सो चलाने वाला परमेश्वर एक ही। प्राइज अल्लाह। मेरा भाई बहन, आपका माताजी पिताजी कितने साल संभालता है, कितने दिन संभाल के रखता है? कोई भी सही संभाल नहीं सकता है, लेकिन केवल परमेश्वर ही संभालता है, कृपा करता है, दया करता है। बचपन से आपको 25 साल, 35 साल, 45, 55, 60, 65, 70, 80 साल होगा, लेकिन अभी तक आपको कौन संभाला है? आपका माताजी संभाला क्या? आपका बच्चे संभाला क्या? आपका कौन सहायता किया? कोई भी नहीं कर सकता है, केवल परमेश्वर ही करता है। इसलिए मेरा भाई बहन, परमेश्वर की तरफ देख के अपना मन उनको देना चाहिए। क्या देना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं, मैं परमेश्वर को ऑफरिंग दे दिया, 10,000, 50,000 दे दिया, हो गया, मेरा जीवन में चमत्कार किया, मैं एक 10 किलो स्वीट दे दिया, हो गया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरा भाई बहन, दुनिया में देखते सारी पृथ्वी उनका ही है। सारी पृथ्वी किसका है? अपना नहीं है। कोई भी जिंदगी, ओ ये दुनिया में कितने साल रह सकता है? ये दुनिया में थोड़े साल रह सकता है, ज़्यादा साल नहीं रह सकता है। हमेशा नहीं बदलने वाला परमेश्वर एक ही है, वही जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उनके तरफ देखो, उनके ऊपर विश्वास करो, उनके साथ चलो और अपना ये दुनिया में जन्म का दिन से बुढ़ा होने तक संभालने वाला जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, और आपका बाल भी व्हाइट होने तक, सफ़ेद होने तक भी चलाने वाला है। हालेलुया। इतने संभालने वाला कोई है क्या? कोई नहीं है। इसलिए मेरा भाई बहन, अपना मन उनको देना चाहिए, उनका इच्छा उनका योजना अनुसार अपन चलना चाहिए। परमेश्वर जब खुश हो जाएगा, परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, आप खुश होना चाहते हैं, सोचो किसको खुश करना चाहते हैं? आपका दुनिया का माँ बाप को खुश करना चाहते हैं, आपका बच्चों को खुश करना चाहते हैं, जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह को खुश करना चाहते हैं, किसको खुशी करना चाहते हैं? हालेलुया। किसके भी खुश करे तो कितने बार खुश करते हैं? अच्छा, मिट्टा मिट्टा आइटम दिया तो खुश हो जाता, नया कपड़ा दिया तो खुश हो जाता, पैसा रुपये दिया तो खुश हो जाता, नहीं दिया तो नाराजी होता, लेकिन वैसी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन मान के उनका इच्छा उनका योजना अनुसार चलने के बाद परमेश्वर आनंदित होता है, आनंद होता है। प्राइज़ अल्लाह। हालेलुया।